day 5 and my journey from Yamunotri to Gangotri begins from this spot. और यहीं पे मैंने स्टे किया था रात को, सामने होटल है और 210 किलोमीटर का टोटल टूर है फ्रॉम यहाँ से। गूगल मैप दिखाता है 7 आवर्स, तो देखिए 7 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा गंगोत्री। बीच में लंच वगैरह के लिए रुकना पड़ेगा, तो प्रोबेबली 8 आवर्स में मैं पहुंच जाऊंगा। बाकी फुल डे का जो डे 5 का ब्लॉग चलेगा उसमें आगे पता चल जाएगा क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सीनिक व्यू आप इंजॉय करेंगे। फिलहाल तो ये यमुना मैया यहाँ पे बहुत ही तीव्र रूप से बहती हुई है, पानी का फ्लो इतना ज्यादा है, बट व्यू बहुत अमेजिंग है फ्रेंड। सो गाइस, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ टूवर्ड्स उत्तरकाशी। 125 किलोमीटर्स है यहाँ से, एक साइड हिल्स, दूसरे साइड रिवर फ्लोइंग, एंड हिल के ऊपर खेत बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना zigzag टर्न्स, ये पूरे सो कंटूर फॉर्मिंग कहते हैं। तो इसको इसलिए बनाया जाता है जब हिली टेरेंस में बारिश होती है तो वहाँ से पानी बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, तो जब हम लोग कंटूर फॉर्मेशन कर देते हैं ना तो वाटर का फ्लो स्लो हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि जो अपने प्लांट्स या वेजिटेशन होती है ना वो ख़राब नहीं होती है, वो फ्लड के साथ है ना फ्लो अवे नहीं हो जाती, वो वहीं पे इंटैक्ट रहती है, इसीलिए कंटूर फॉर्मेशन किया जाता है। और कितना सुंदर दिख रहा है आप देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, अभी आपको समझ में आया उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना वो पूरा हेवन जैसा है और चारों धाम यहाँ पर हैं। और आप ये पहाड़ देखिए, इतना लश ग्रीन पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ और पूरे के पूरे ग्रीन, और जो जहाँ पे भी आप नज़र डालिए बस व्यू आपको बहुत अमेजिंग मिलता है। ये यमुना मैया फ्लो करती हुई, बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं वो है बरकोट जाने का रास्ता, और यहाँ से आपको लेना पड़ेगा लेफ्ट और यहीं से हम निकल जाएंगे गंगोत्री के लिए। तो बस आपको यहीं पर ध्यान रखना है, फ्लो में सीधे नहीं जाना है, अदरवाइज आप सीधे पहुँचेंगे बरकोट। और ये टनल जब गंगोत्री के लिए निकलेगी तो आपको डायरेक्टली ये रूट जो है ना काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। इसका नाम है बरकोट टनल। दिसंबर 2025 तक यह टनल कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही यह टनल कंप्लीट होगी तो गंगोत्री का जो रास्ता है, गंगा मैया का उद्गम स्थल, 18 किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगा। किसी को कभी मेरे साथ बाइक ट्रिप ज्वाइन करनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है, सो वी कैन ज्वाइन टुगेदर। प्राकृतिक प्राचीन प्रकटेश्वर पंचानन महादेव का मंदिर है, जो आप जब यमुनोत्री से गंगोत्री जाएंगे तब आपको रास्ते में मिल जाएगा। यहाँ से 150 मीटर की डिस्टेंस पे ही ये आपको टेम्पल है। फ्रेंड्स, ये मंदिर में अगर आप दर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे लग जाएगा। सो गाइस, अब वापस से मैं चल पड़ा हूँ उत्तरकाशी की तरफ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गई है हल्की हल्की बारिश शुरू, और फ्यूल लेवल काफ़ी कम है, और मुझे मिल गया एक पेट्रोल पंप, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कम से कम रिफ्यूलिंग करा ली जाए। फुल करवा लेते हैं भैया, फुल कर दो हैं, लाइट गई, लो लाइट ही चली गई दोस्तों, जनरेटर चलाने गए हैं, पेट्रोल भरा जा रहा है। हाय, ले लिया है, शूटिंग चल रही है। कहाँ से आ रहे हो, कि कब चले? अच्छा, 4 तक यमुनोत्री हो गया, अच्छा। अभी बस उत्तरकाशी पहुंचेंगे, कुछ 30 किलोमीटर है यहाँ से,
सो नाउ नॉन स्टॉप उत्तरकाशी, और आप देख सकते हैं सड़कें पूरी गीली हैं, तो बारिश भी काफ़ी हो चुकी है यहाँ पे, मौसम एकदम ठंडा हो चुका है और फील बहुत अमेजिंग आ रहा है। तो चाहे 26 किलोमीटर और गंगोत्री बचा 124 किलोमीटर। और यहाँ से उत्तरकाशी बचा है सिर्फ 12 किलोमीटर, और ये पूरा एक टनल जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है इन्होंने, जो कि राइट साइड से पिलर से पूरा टिका के बनाया हुआ है। ये जो टनल आप देख रहे हैं ये उत्तरकाशी टनल है, 370 मीटर इसकी लेंथ है, और गंगोत्री यहाँ से रह जाता है 100 किलोमीटर्स। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं उत्तरकाशी पहुँच चुका हूँ, और ये उत्तरकाशी है, और अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ गंगोत्री, और अभी टाइम हो गया है 4:45। मंदिर रात को 9 बजे तक खुला रहता है। तो चलिए, बाकी का ब्लॉग और आगे की बातें अपन लोग रास्ते में कर लेंगे, सो लेट्स गो। तो गाइस, अभी उत्तरकाशी से निकल दिए हैं गंगोत्री के लिए, गंगा मैया का उद्गम स्थल दर्शन करेंगे एंड बैक टू उत्तरकाशी। अभी हम लोग चल दिए हैं, देखो ये आपको दिख रही है गंगा मैया जो गंगोत्री से आ रही है, और गंगोत्री अब यहाँ से 92 किलोमीटर बचा हुआ है, हरसिल यहाँ से 62 किलोमीटर बचा हुआ है। हरसिल भी बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें गंगोत्री पहुँचने में। मौसम लग रहा है बारिश हो सकती है, क्योंकि बादलों ने घेर लिया है पूरा, तो चलते चलते हैं, आगे पता चलेगा बारिश होती है या नहीं होती है। सो कीप वॉचिंग। सो गाइज, दिस इज द मोस्ट सीनिक व्यू। यार यहाँ का सीन बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की चेकिंग होती है, आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है या नहीं कर रखा है। तो जब हम लोग यमुनोत्री जा रहे थे तब भी मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन करना इज़ कंपलसरी, तो यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ता है, और ये चेक करने वाले हैं आपने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं, वेरिफिकेशन होगा उस चीज़ का। सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी तो असवाल जी, हमने आपको बताया आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया तो यहाँ काउंटर पर पूरी मदद की जाएगी और आपका फ्री रजिस्ट्रेशन उपलब्ध है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बट कोशिश ये कीजिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निकाल के आए, बहुत ही सिंपल है और फटाफट से आप कर सकते हैं। थैंक यू असवाल जी। जैसे मैंने आपको बोला था मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है और बारिश शुरू हो चुकी है, बट दोस्तों ये जर्नी आपको जितनी सुंदर दिख रही है ना, वो पूरी हैवॉक में चेंज हो चुकी है, पूरी ख़राब हो गई थी आज की जर्नी। आप देखिए बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया था, तो कुछ 25 किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे रिटर्न जाना पड़ा बैक टू उत्तरकाशी। फ्रेंड्स, ये है काशी विश्वनाथ टेम्पल एट उत्तरकाशी, और ये आप देख सकते हैं पूरा परिसर। और आज की यात्रा दोस्तों बस यहीं समाप्त हो गई है, काशी विश्वनाथ टेम्पल में श्री महादेव के दर्शन करने के बाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।